लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान, फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग पीछे छोड़कर जाना होगा मुझे। अभी तक तो मैं ही विचलित होकर आपसे हट कर रहा था, अब आप भी विचलित हो गए। जीवन पर्यंत मेरी प्रत्येक दुविधा का समाधान ढूंढते आए हो, तो इस दुविधा को भी मिटा दो मेरे प्रिय सखा हनुमान। तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊं, ये समझा दो मुझे। माता सीता सहित आप तो सदैव मेरे हृदय में स्थित रहेंगे प्रभु। प्रभु, फिर आप मुझे कहां छोड़कर जा रहे हैं? जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु, प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक जन्म में आप मेरे हृदय में वास करेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। इस प्रकार आपकी एक दुविधा तो दूर हुई, और प्रभु आपकी दूसरी दुविधा वो अधूरेपन का आभास है जो आपको विचलित कर रहा है, वो तो आपको मुझे गले लगाकर ही दूर हो जाएगा। प्रभु, उसी के लिए तो आपने मुझे बुलाया था। मेरा जन तुमने सफल बनाया, इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान। प्रभु, सब हृदय को करके भारी, लौटे वैकुंठ अवध बिहारी।
राम नाम संचार के लाई। दायित्व हनुमान पे आई। प्राण हृदय मन मह श्री रामा, राखे वज्र अंगी हनुमाना। प्रभु को इतने निकट जो पाई, मन ही मन हनुमत हर साई। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जय जय सियाराम। वैकुंठ लौटने का मार्ग है। भैया, वैकुंठ के प्रथम द्वार पर हम पहुंच गए। अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें वैकुंठ के सप्त स्वर्ण द्वारों को पार करना होगा। जय जय सियाराम। प्रणाम भाभी मां। सीते, ये लो सीते, तुम्हारी धरोहर उन्हें धारण करो। We'll be right back.
राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान, अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। जय श्री राम, जय सिया राम। प्रभु चले गए तो जैसे अयोध्या प्राण रहित हो गई, कितनी सोनी प्रतीत हो रही है। जहां सदैव आनंद के स्वर सुनाई देते थे, वहां अब एक स्तब्ध मौन छाया है। अयोध्या का राज प्रासाद भी जैसे दुख के सागर में डूबकर शांत पड़ा है। जहां प्रभु श्री राम की सेवा में रहकर मैंने इतना सुखमय समय बिताया है, अब वही अयोध्या प्रभु विहीन है। ये जानकर भी मैं वहां कैसे प्रवेश करूं। अब प्रभु से रिक्त अयोध्या में मेरे लिए एक क्षण भी व्यतीत करना कठिन होगा। सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ हनुमान। किंतु प्रभु और माता के आदेश का पालन करने मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। सबको संभाल कर उन्हें इस दुख से उबारना होगा, इसलिए सर्वप्रथम मुझे ही साहस जुटाकर वहाँ जाना होगा। अपने दुख को भुलाकर अपने कर्तव्य को निभाना होगा। लवकुश, तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकता मैं। आओ पुत्रों, आ जाओ। हनुमान जी, चलो पुत्रों भीतर चलें। किंतु पुत्रों, मनुष्य का धर्म है कि सुख दुख दोनों से प्रभावित हुए बिना वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे, क्योंकि परमात्मा की देन इस जीवन का एकमात्र ध्येय है मोक्ष प्राप्ति, और उसके लिए सब कुछ भुलाकर सत्कर्म करते रहना अनिवार्य है। इसलिए आप दोनों भी अपने नवीन कर्तव्य को स्वीकार करें। लव कुश मुख पे उदासी आई, देखी महावीरा समझाई। राम लखन हरु भरत शत्रुघ्न, माना छोड़े अवध कांगन। आशीष किंतु सदा ही सहाय, जे कही कपि धारस बंधवाए। स्वयं राम सिया दर्शाई, श्रद्धा से दर्शन किए भाई। राम सिया राम जय हनुमान। दो किशोर सिंहासन रूढ़ा, बढ़ता जाए समय का धूरा। लव कुश यौवन अवस्था पाए, कपि सकल कर्तव्य निभाए। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन। अब आप दोनों परिपक्व हो चुके हैं,
राजकाज को भली भांति समझकर अपने कर्तव्य को निभाने में सक्षम हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु और माता को दिए हुए वचन को निभाने का मेरा कर्तव्य अब पूर्ण हुआ। इसीलिए अब मुझे अयोध्या से प्रस्थान करना चाहिए। ब्रह्मदेव जी, महर्षि दुर्वासा और स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यही सीख दी है कि भावनाओं को कभी भी कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। और इस समय मेरा कर्तव्य तप में लीन होने का है, इसलिए अब मेरा जाना अनिवार्य है। प्रणाम हनुमान जी। कल्याण हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। राम नाम का जप कपि करते, शांत सरिता तट जा बैठे। रात्र दिवस आए और जाए, ऋतुओं में परिवर्तन आए। एकाग्र चित हनुमाना, तारक मंत्र निरंतर जापा। मूर्त रूप राघव रघुराई, हनुमत पे आशीष बरसाई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। स्वामी, अनेकों सदियों से निरंतर तप में लीन रहकर हनुमान ने उस अद्भुत दिव्यता को प्राप्त कर लिया है, जो निस्वार्थ भक्ति भाव से किए गए कठोर तप से ही प्राप्त की जा सकती है। हाँ देवी, इसलिए अब हनुमान के भक्त से भगवान बनने का समय आ गया है। इसके लिए हमें वहां जाकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रणाम त्रिदेवों, प्रणाम त्रिदेवियों। आप सभी के एक साथ दर्शन देने से आपका ये भक्त धन्य हो गया। निकट भविष्य में तुम नवीन रूप में संसार के समक्ष हो गए हनुमान, इसलिए हमारा आना तो अनिवार्य ही था। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई हनुमान, तुम भक्ति और शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। इसलिए अब तुम्हारा भक्त से भगवान बनने का समय आ गया है। हनुमान, अब तुम्हारा दायित्व और भी बढ़ रहा है। इसके पूर्व तुम अपने इष्ट प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाले भक्त थे, किंतु अब संपूर्ण संसार में सुख का संचार करने और सभी के धर्मोचित इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान का रूप लेना है। पुत्र, अपने प्रभु के समान संसार को दुर्जनों के प्रभाव से मुक्त करना होगा। सज्जनों और दुखियारों का सहायक बन उनकी रक्षा करने का दायित्व निभाना होगा। इसलिए हे बजरंगी भगवान महाबली हनुमान, आज से तुम्हारा मूल स्थान गंधमादन पर्वत होगा। गंधमादन जाकर अपना स्थान ग्रहण करो हनुमान, जहां सभी तुम्हारे प्रियजन
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने मूल स्थान जाने की तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे प्रभु श्री राम स्वयं उपस्थित होकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हनुमान, प्रभु, प्रभु श्री राम, आप सभी मुझे आशीष देने की कृपा करें कि मैं अपने नवीन कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सकूं। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो पुत्र। ये थी रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। बड़े पद के साथ बड़े उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ते हैं और यही व्यक्ति की सच्ची परीक्षा है।